झाबुआ के 150 से अधिक किसानों ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को ट्विट और डाक विभाग के जरिए पत्र भेजकर कहा है कि अगर पाकिस्तान को टमाटर चाहिए तो वो सबसे पहले पीओके कश्मीर वापस करे और भारत से माफी मांगे। ईरान से टमाटर मंगाने के बाद भी पाकिस्तान पर टमाटर संकट बरकरार है। पाकिस्तान में टमाटर 400 से 500 रुपए किलो बिक रहा है। ऐसे में ट्विटर के जरिए भारतीय किसान यूनियन की झाबुआ जिला इकाई ने इमरान खान को कहा है कि बाघा बॉर्डर से आपके देश में टमाटर जाते थे, लेकिन आतंकवादियों और आपकी सेना ने हमारे देश के निर्दोष लोगों पर हमले किए, आतंकवाद फैलाया, 26/11 पुलवामा जैसे हमले करवाए। इसके बाद हमारे देश और हमने आपको टमाटर नहीं देने का फैसला लिया। पाकिस्तान में जनता की टमाटर को लेकर खराब हालत के बाद हम टमाटर उत्पादक किसान इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अगर पाकिस्तान भारत के दुश्मनों को हमारी सरकार को सौंप दे और अनाधिकृत रूप से कब्जा किए कश्मीर को शांतिपूर्वक भारत को सौंप दे तो भारतीय किसान यूनियन झाबुआ जिला इकाई अपने जिले के टमाटर उत्पादक किसानों को बैठाकर आपके देश में टमाटर भेजने पर विचार कर सकती है। किसानों ने आखिर में लिखा है कि उम्मीद है कि आप हमारे इस प्रस्ताव को गंभीरता से लेंगे, अपने देश के नागरिकों के हित में इस पर विचार करेंगे। झाबुआ के किसानों ने कई साल तक पाकिस्तान को टमाटर निर्यात किए हैं। किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष महेंद्र हामड़ ने कहा कि 18 सितंबर 2016 को हुए उरी आतंकवादी हमले के बाद से किसान नाराज थे और पाकिस्तान टमाटर भेजना बंद कर दिया था। इससे पहले करीब 1.5 दशक से पाकिस्तान टमाटर यहां से भेजे जाते थे। ग्राम बावड़ी पेटलावा सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के 150 से अधिक किसानों ने इस पत्र के माध्यम से पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के सामने अपनी बात रखी है और इस पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक।